युवक की मौत के बाद दर दर भटक रहे मृतक के परिजन, पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मऊगंज जिले के दुगमा कुनमियान में विगत दिनों युवक की मौत के बाद मृतक के परिजन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि विगत दिनों युवक का शव घर के सामने पेड़ पर लटकता हुआ मिला था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था। वही इस पूरे मामले को परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। वही परिजनों का कहना है कि उक्त मामले में शामिल सभी आरोपी मौके से फरार हैं, जिनको पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। वही घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि इस मामले पर मर्ग कायम किया गया है और घटना की जांच चल रही है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। उस दिन से रोज गाली गलौज करती थी उनकी मम्मी। रास्ता निकलो, उनके द्वार से रास्ता गली है, निकलो तो फिर भी गाली देती थी, हर रोज गाली देती। उस दिन से टॉर्चर करती थी कि तुम लोगों को जान से मार दूंगी। फिर करवा चौथ में घर आए, घर आने के बाद 3 तारीख की घटना हुई और घटना कर मार कर फरार है, आज तक फरार है। पुरानी भी बात कुछ नहीं थी। उस दिन से फान कर कर थूके हमारे भाई के ऊपर 13 अक्टूबर को, फिर मारे, फिर मारकर फरार हो गए। आज तक कोई घर में नहीं आए, इतना फरार है कि दूरी दूरी से कुछ पता लेते हैं और धमकी देते हैं मारने के लिए। संतोष सेन, सुरेंद्र सेन, उनके पिताजी राम रईस, उनकी पत्नी राम रईस, पत्नी अनीता सेन, कल्पना सेन, अनीता सेन, उनकी बेटी पूजा सेन। आप लोगों शिकायत किए थाना? थाना हम शिकायत नहीं किए थे, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई की वजह से सोचे कि मामला ज़्यादा केस ना करे, हम लोग डिस्टर्ब हो। हत्या के बाद शिकायत की थी, फांसी में मेरा भाई टंगा था, मैं 100 नंबर फोन लगाई थी, आई तो फिर हमारे भाई को नीचे निकाली, चारपाई पर लिटाई, फिर दूसरे जाकर सुबह आत्महत्या खुद लिखा कर और पूरा लिखा दिए, बोला कि आत्महत्या अपने से किया, जबकि मेरा भाई आत्महत्या अपने से नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की कार्रवाई पूरी हो, मेरे भाई को न्याय मिले, यही मेरा सोच है। हमारी घटना ये है कि गैया चराने गया हमारा बच्चा, तो ये लोग जा रहे थे तो रोड पर बैठकर वो मोबाइल चला रहा था, तो वापस वहाँ रोड पर खड़े थे, उसके आके पैर में थूक दिए और थूकने के बाद वो कुछ बेटा है कुछ कह दिया होगा, तो इसको मारना शुरू कर दिए। मारने के बाद फिर बिहान भय उनका जो राम रहीस हैं, तो हमारे घर में बच्चे थे तो उसके फिर घर में आए घुसे और डंडा लेकर मारे, और उसके बाद फिर धमकी उमकी दिए, गाली गलौज करते थे रोजाना, जहीं देखे जहीं गाली गलौज, और ये बोलते थे कि मोबाइल से कि हम घर भर के सबको मर्डर कर देंगे। और फिर हमारे आए दिन हमारे बच्चे का घर में रात में पता नहीं कैसे बाहर उठा कि मोबाइल से बुलाए, और बुलाकर यहाँ तार में उसका पैंट मिला, बेल्ट मिला, मोबाइल मिली, कुर्सी, और लड़का यहाँ टगा हुआ मिला हमको। देखिए हमको शंका है कि यही लोग मार दिए, नहीं हमारा भौजाई उठी शाम को तो ऐसे लगा कि 3-4 आदमी भागते हुए ऐसे अंधेरे में दिखाई दिए, और दिखे तो भतीजा ऊपर टगा, विवाद करने वाले संतोष और राम रहीस वगैरह सब। पुलिस के जब पंचनामा पुलिस आई 100 नंबर को बुलाया गया, तो डेड बॉडी उतरवा कर खटिया में लटा दिए, और लटाए के बाद पुलिस चली गई। फिर यहाँ से चुप्पे से हमारे भाई को लेकर थाने में ले गए, और वहाँ बोले कि ये अपने से हत्या कर लिया है, फांसी लगा लिया है। और वहाँ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।